असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। रविवार को कोकराझार में उन्होंने विजय संकल्प समावेश रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोडो शांति समझौते के साथ प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया कि उत्तर पूर्व में जहां जहां शांति है वहां बातचीत कीजिए और शांति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और हुजूर क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामायण की एक प्रति भेजी है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। रविवार को उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि मोदी सरकार किसानों की परेशानी सुनने की बजाय उन्हें आतंकी कहती है। महाराष्ट्र सचिवालय में सुरक्षा में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा हस्ताक्षरित एक फाइल में छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ भी ऐसी की गई कि ठाकरे के आदेश को ही बदल दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा अपने अरबपति मित्रों के लिए लाल कालीन बिछाकर देश का सारा धन उनके हवाले कर रही है, लेकिन किसान अपना हक मांगने दिल्ली जाना चाहते हैं तो नाकाबंदी की जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान दर्शकों को मैदान पर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। टेस्ट सीरीज के बाद 12 मार्च से अहमदाबाद से शुरू हो रही T20 सीरीज में BCCI यह प्रयोग करने जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सिर्फ 6 दिनों के अंदर देश में 10 लाख लोगों को टीका लगाया गया और इस मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। जनवरी के आखिर दिनों तक उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार नई पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदल रहा है। दिल्ली NCR में जहां सुबह के समय कोहरे की धुंध है तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। एक ओर भारत ने दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज भेजी, वहीं दूसरी ओर खुद को बड़ी ताकत बताने वाले चीन ने अपने सहयोगी देशों से क्लिनिकल ट्रायल में हुए खर्च का हिस्सा मांगा। यही वजह है कि बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन नहीं लेकर भारत से वैक्सीन मांगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। हम वायुसेना से अनुरोध करेंगे कि वो जल्द एयर स्ट्रिप पर जहाज उतार कर इसे टेस्ट करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।